Welcome class, welcome to the Unified Academy channel. This is the 9th lecture video and in this video we will see directional coupler. ठीक है, ये directional coupler है. इसका क्यों नाम पड़ा, क्या इसमें होता है, ये सब हम लोग देखेंगे. इसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये जो है ये माइक्रोवेव में हम लोग काम कर रहे हैं. माइक्रोवेव यानी कि हाई फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी पे हम लोग हैं. तो हाई फ्रिक्वेंसी का जो वर्ल्ड है ये रियल वर्ल्ड से बहुत अलग है, क्योंकि जब आप हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं तो आपके पास जैसे एक छोटा सा जैसे पेन है, ये पेन में कंडक्टर पार्ट है, इट एक्ट्स एज एंटीना. हाई फ्रीक्वेंसी पे एक स्लॉट अगर बन गया, जैसे कि आपके घर में ये डीटीएच है ना, ऐसे छतरी, उसमें एक स्लॉट काट दीजिए, वो अलग काम करने लगेगा. तो हाई फ्रीक्वेंसी पे छोटा से छोटा काम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसका अलग फंक्शन हो जाता है, जो कि हम लोग ये रियल वर्ल्ड में उसको इग्नोर कर देते हैं. तो जैसे एक काम है कि आपको मेजर करना है कि आप यहां से कोई पावर दे रहे हैं, ठीक है, और यहां से एंटीना उसको पावर को रिफ्लेक्ट कर रहा है. इस बीच में जो आप पावर दे रहे हैं और एंटीना तक, ये ब्रेक थ्रू तो नहीं है, ये कहीं इससे पावर कम तो नहीं हो रहा है, एंटीना प्रॉपर पावर को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं, इसको आपको मेजर करना है. तो आप इस बीच में कुछ लगा नहीं सकते हैं, और ये माइक्रोवेव है, ये ऑलरेडी बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पे कर रहे हैं. तो इसको करने के लिए एक तरीका अपनाया गया. ये क्या कि जैसे सोर्स से लोड के बीच में जो हम दे रहे हैं उसको क्या किए हम लोग, एक कपल कर लिए. कपल कर लिए मतलब कि मान लीजिए ये पीआई है, कुछ पावर, इनिशियल पावर दिए, तो ये पीआई का ये हंड्रेडवां भाग या थाउजेंडवां भाग, मतलब बहुत छोटा सा उसमें से ले लिए और इसको मेजर कर लिए, और इसको मेजर करके उतना टाइम्स मल्टीप्लाई करके हम लोग बता देंगे कि ये एंटीना या यहाँ पे जो भी एक लोड लगाया हुआ वो कितना दे रहा है आउटपुट. तो ये जो हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग किसी चीज को डिस्टर्ब नहीं किए, सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं किए, बस सिस्टम से हल्का सा कपलिंग करा के हल्का सा उसका पावर लिया, वो ऑलमोस्ट थाउजेंड टाइम्स छोटा है उसका, मतलब एकदम बहुत नेग्लिजिबल, और उसको इससे हम लोग मेजर कर लिए कि ये सिस्टम कैसा काम कर रहा है. तो यही काम करने को ये जो नोन फ्रैक्शन ऑफ पावर जो हम लोग मेजर करते हैं इसके थ्रू, इसी यही को डायरेक्शनल कपलर करते हैं. ठीक है, तो ये माइक्रोवेव में ये भी एक बहुत बड़ा काम है, ये कपलर लगा के हम लोग मेजर कर लेते हैं कि ये जो हम लोग सिस्टम भेज रहे हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हर तरह तरह का जो माइक्रोवेव पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो कितना रिलायबल है, कहाँ पे ब्रेक थ्रू है, कहाँ पे जाके डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये हर चीज का हम लोग हिसाब किताब रखते हैं. इसी यही है डायरेक्शनल कपलर. डायरेक्शनल कपलर में क्या होता है कि डायरेक्शनल कपलर जो होता है ये फोर पोर्ट, बेसिकली एक फोर पोर्ट वेवगाइड है, एक प्राइमरी वेवगाइड, एक सेकेंडरी वेवगाइड. प्राइमरी वेवगाइड जहां से पावर सोर्स से लोड जा रहा है, ये प्राइमरी वेवगाइड हो गया. इसी को किसी किसी को किताब में मेन वेवगाइड भी लिख देता है, प्राइमरी वेवगाइड को. ठीक है, ये प्राइमरी वेवगाइड हो गया. इसके बाद ये सेकेंडरी वेवगाइड का हम एक अरेंजमेंट करते हैं, सेकेंडरी वेवगाइड. अब ये सेकेंडरी और प्राइमरी में कैसे कपल करेगा वो टाइप्स ऑफ डायरेक्शनल कपलर पर डिपेंड करेगा. वो हो सकता है कि टू होल हो, फोर होल हो, बेथे होल हो, तो ये सब जो है रिवर्स कपलिंग हो, ये सब टाइप्स ऑफ डायरेक्शनल कपलर पे डिपेंड करेगा. लेकिन दो वेवगाइड होगा और दोनों के बीच में कुछ ऐसा एक अरेंजमेंट है कि यहां से पावर कपल होकर यहां आएगा. ठीक है, तो दो वेवगाइड है. अ डायरेक्शनल कपलर इज अ फोर पोर्ट वेवगाइड एंड इट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी वेवगाइड एंड सेकेंडरी वेवगाइड. ठीक है, अब ये प्राइमरी वेवगाइड में यहां से हम लोग पावर दिए तो ये पोर्ट वन हुआ, यहां से पावर रिसीव हुआ तो ये पोर्ट टू हुआ, तो यहां पे हो गया रिसीव पावर, रिसीव्ड पावर. ठीक है, यहां से हम लोग पावर रिसीव किए, यहां से हम लोग पावर दिए, तो पावर यहां से दिए और यहां से पावर रिसीव हुआ. ये प्राइमरी काम है जो कि हो रहा है. अब हम लोग इसको मेजर करना चाहते हैं कि ये सब सही है कि नहीं, तो इसी के लिए हम लोग एक सेकेंडरी वेवगाइड इंट्रोड्यूस करते हैं, यहां से एक कपलिंग कराते हैं. तो कपलिंग करा के जो ये आया, ये एफपीएफ, इसको या तो कहेंगे फॉरवर्ड पावर, फॉरवर्ड पावर या कपलिंग पावर, कपलिंग पावर. ठीक है, ये कपल कराए, ये कपल कराए. ये हो सकता है कि इन ये जो हम लोग जो यहाँ पे पावर जो इंसिडेंट कर रहा है इसका थाउजेंडवा भाग हो, हंड्रेडवा भाग हो, जितना जैसा यहाँ पे हम लोग
मेजरमेंट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट लगा रहे हैं, एकदम वो बहुत छोटा से छोटा को भी नाप सकता है तो 1000वां लेंगे, उससे थोड़ा बड़ा को नापेगा 100वां लेंगे, लेकिन लेंगे बहुत कम, बहुत कम लेंगे, ठीक है, ऑलमोस्ट 100 से तो पढ़ ही लेंगे, 100,000 जो भी ले, ठीक है। तो ये हो गया पोर्ट फोर, ये पोर्ट फोर हुआ। अब होता है क्या ना कि 1, 2, 3, 4 लिखने में बहुत कोई कंफ्यूज कर देता है, इसको 1, 2 कर दिया, कभी इसको 3 कर देगा, उसको 4 कर देगा, ऐसा नहीं है। एक अरेंजमेंट पकड़िए और उसको हमेशा शुरू से लेकर अंत तक पकड़े रहिए। अभी हम बोल रहे हैं कि पोर्ट फोर पे कपलिंग, तो पोर्ट फोर पे ही कपलिंग होगा, बिकॉज ये जो डायरेक्शनल कपलर है ये एक सिमेट्रिकल डिवाइस है, सिमेट्रिकल डिवाइस है। बताया था ना सिमेट्रिसिटी क्या होता है, जस्ट एक जैसे बटरफ्लाई जो होता है ना, ये बटरफ्लाई जो है ये सिमेट्रिकल डिवाइस है, ये इसका ऐसे मतलब यहां से अगर काट दीजिएगा तो दोनों बटरफ्लाई सिमेट्रिकल है, अगर यहां पे जो है तो यहां पे भी ऐसे रहेगा, यहां पे ऐसे है तो यहां पे भी ऐसे रहेगा। तो उसी तरीके से ये डायरेक्शनल कपलर भी सिमेट्रिकल डिवाइस है, इसीलिए 1, 2, 3, 4 अपने मन से नहीं लिखेगा। अगर ये पोर्ट 1 और 2 ले लिए हैं तो पोर्ट 4 को अगर कपलिंग लिए तो हमेशा पोर्ट 4 ही कपलिंग होगा, बनेगा, ठीक है। अब ये तो कपल हो गया, क्योंकि कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता है, ये एक सच्चाई है, परफेक्ट कोई सिस्टम नहीं होता है। यहां से यहां भी जो जा रहा है ये परफेक्टली जाएगा नहीं, थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट करेगा, हम लोग उसको क्या करेंगे, उसको कम कर सकते हैं, जीरो नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से ये जो कपल करा है तो ये फॉरवर्ड हुआ तो ये रिवर्स भी होगा, इसका एक रिवर्स कपल होगा, ठीक है। तो इसको कहेंगे रिफ्लेक्ट पावर या बैक पावर, बैक पावर जो कपल नहीं हुआ, बैक पावर या रिफ्लेक्ट पावर, ठीक है। अब यहां से पावर दिए, पावर रिसीव हुआ, ये मेरा वांटेड है, ये मेरा वांटेड है, ये हम लोग चाहते हैं। पावर दिए, पावर कपल होके पोर्ट फोर से मिल गया, ये भी मेरा वांटेड है। लेकिन पावर दिए और पोर्ट थ्री से अगर कुछ मिल रहा है ये मेरा अनवांटेड है, ये हम नहीं चाहते हो। हम चाहते हैं कि जितना भी 100वां भाग ही भेजे सारा का सारा यहां मिल जाए, बैक कुछ ना आए, क्योंकि हमारा कपलिंग करना, क्योंकि हम लोग जो मीटर लगाएंगे नापने के लिए, मेजर करने के लिए, वो मीटर पोर्ट फोर पे लगाएंगे, और यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि यहां पे कुछ ना आए या आए भी तो डिस्टर्ब ना करे, तो यहां पे एक मैच लोड लगा देते हैं। मैच लोड का ये सिंबल होता है ऐसे ऐसे करके, मैच लोड, ये मैच लोड होता है, अगर देखिएगा गूगल पे रिसर्च कीजिएगा तो एक वेवगाइड की तरह होगा और इसके अंदर एक ऐसा मटेरियल रहता है कि ये एब्जॉर्ब कर जाता है कुछ भी आने से, ठीक है। तो ये मैच लोड यहां पे लगा देंगे, ये इसका सिंबल हो गया। तो ये हो गया अनवांटेड, ये वांटेड, ये वांटेड। अब ये हो गया डायरेक्शनल कपलर का अरेंजमेंट, ठीक है। अब जो डायरेक्शनल कपलर है हम लोग जो है इसमें आइडियली जो हम लोग चाहेंगे, आइडियली हम लोग चाहते हैं कि 1 से दे तो 3 पे कभी ना आए, 1 से अगर हम कुछ दे रहे हैं ये दोनों आपस में आइसोलेट रहना चाहिए, और ये दोनों जो पावर पीवी है, ये जो रिफ्लेक्ट पावर है, हम चाहते हैं कि ये ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये हम लोग चाहते हैं, ठीक है। ये हमारा डिजायर है कि वो 0 हो, अब होगा कि नहीं होगा हम लोग देखेंगे जैसा कपलर होगा, ठीक है। तो ये डायरेक्शनल कपलर का किसी भी सिस्टम का एक फिगर ऑफ मेरिट होता है, फिगर ऑफ मेरिट, इसमें क्या क्या अच्छा है, क्या क्या किस किस पैरामीटर पे फिगर ऑफ मेरिट डिसाइड होता है डायरेक्शनल कपलर का, हम लोग देखेंगे। जैसे कि फिगर ऑफ मेरिट अगर बीजेटी का बात करें तो वो क्या होता है, गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट, तो वही सही इसका भी फिगर ऑफ मेरिट होगा। तो अब हम लोग इसका देखेंगे फिगर ऑफ मेरिट, ठीक है। तो पहला फिगर ऑफ मेरिट जो है इसका वो है कपलिंग फैक्टर, फर्स्ट फिगर ऑफ मेरिट इज कपलिंग फैक्टर, कपलिंग फैक्टर कितना कपल किया, कपलिंग फैक्टर उसी का हुआ कितना कपल किया। अब हमको पता है कपलिंग कहां कहां हुआ, तो पोर्ट फोर पे हुआ, पोर्ट वन से जो दिए थे उसका कपलिंग हुआ पोर्ट फोर पे, यही तो है कपलिंग फैक्टर। तो यानी कि ये हो एक रेशियो है फॉरवर्ड वेव इन प्राइमरी टू फॉरवर्ड वेव इन सेकेंडरी, इसका रेशियो को ही हम लोग कहेंगे कपलिंग फैक्टर। तो इसका जो रेशियो लेंगे यानी कि फॉरवर्ड वेव यहां, तो यहां पे पोर्ट वन पे फॉरवर्ड वेव क्या है, पी आई बाय फॉरवर्ड वेव इन सेकेंडरी वेव गाइड, वो क्या हो गया पी एफ, इसका रेशियो को लेंगे कपलिंग फैक्टर। अब ये चूंकि हम लोग पावर ले रहे हैं तो इसको जब डीबी में चेंज करेंगे तो क्या लगा देंगे, यहां पे लॉग 10
और यहां पे 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कपलिंग फैक्टर, कपलिंग फैक्टर। अब यही चीज अगर देखते हैं कि जब अगर r इक्वल टू 1 ले लीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर, वी आई या वी वन या वी टू स्क्वायर बाई आर लॉग 10। तो ये स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको 20 बना देता है, इसीलिए 20 लॉग वी वन बाई वी टू लेते हैं। या आई स्क्वायर आर हो जाता है, आई स्क्वायर आर, आई वन स्क्वायर आर या आई टू स्क्वायर आर, तो ये भी 10 लॉग, ये स्क्वायर मिलके यहाँ पे स्क्वायर चढ़ा देंगे और ये इसको 20 बना देगा, तो 20 लॉग आई वन बाई आई टू। तो यानी कि वोल्टेज रहेगा या करंट रहेगा तो 20 लॉग लेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर जो है इसको मल्टीप्लाई कर देगा, लेकिन पावर रहेगा तो 10 लॉग लेंगे। ये हम लोग को एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग अब तक तो सीख गए होंगे इंजीनियरिंग में, ठीक है, ये इतना सीख गए होंगे कि वोल्टेज और करंट रहेगा तो 20 लॉग, पावर रहेगा तो 10 लॉग। तो ये हो गया कपलिंग, कपलिंग फैक्टर, ये पहला फिगर ऑफ मेरिट हो गया। अब इस फिगर ऑफ मेरिट में नॉर्मली जो कपलिंग फैक्टर होता है, नॉर्मली C इक्वल टू 20 dB होता है, 20 dB, डेसी बेल, बेल साहब का नाम है इसीलिए कैपिटल लेटर में लिखाता है, और इसका 10 टाइम्स लिया गया तो ये डेसी हो गया, ठीक है, डेसी बेल। अब मान लीजिए कपलिंग 20 है, 10 लॉग EI बाई PF, इसका मतलब क्या हो गया, लॉग PI बाई PF इक्वल टू 2 हो गया, ये नीचे आ जाएगा, ये कट जाएगा, 2 बच गया, यानी PI बाई PF ये 10 है, तो ये 10 टू द पावर 2 इक्वल टू PI बाई PF, ये लॉग से हम लोग समझते हैं, लॉग इसी को तो लेते हैं, तो यानी क्या हो गया, PF इक्वल टू PI बाई 100, मिनिमम इतना हम लोग लेते हैं, ठीक है। ये हो गया पहला, ये फर्स्ट फिगर ऑफ मेरिट हो गया, ये हो गया कपलिंग फैक्टर, ठीक है। अब दूसरा फिगर ऑफ मेरिट लेते हैं, सेकंड फिगर ऑफ मेरिट होता है डायरेक्टिविटी, सेकंड होता है डायरेक्टिविटी, डायरेक्टिविटी क्या है कि डायरेक्शनल कपलर में एक स्टैंडर्ड मेथड ऑफ ये मेजरमेंट है, तो ये किस एक्सटेंट तक ये अनवांटेड जो वेव है इसको हटाता है, इसको कहते हैं डायरेक्टिविटी, ठीक है। यानी कि इसका भाई इसका रेशियो को कहेंगे डायरेक्टिविटी, यानी कितना डायरेक्टिव है, जैसे कि एंटीना में कहते हैं ना ये एक है और ये एक है, लोब है एंटीना का, ये फिगर बना रहे हैं, तो ये जो है ये कम डायरेक्टिव है, ये मोर डायरेक्टिव है, यानी कि एक डायरेक्शन में ज्यादा जाएगा। तो डायरेक्टिविटी एंटीना के लोब से देखते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे जो है डायरेक्टिविटी देखेंगे कि यहाँ जो जा रहा है यहाँ कितना बैक कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा डायरेक्टिविटी D इक्वल टू 10 लॉग PF बाई PB, ठीक है, ये PF बाई PB कितना डायरेक्टिव है। हम लोग क्या चाहते हैं कि एंटीना ये PB जो है जीरो हो जाए, हम लोग यही चाहते हैं कि PB हमेशा जीरो हो जाए, ये ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो हो जाए, तो D कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, ये हम लोग का रिक्वायरमेंट है, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली जो D होता है ये बहुत बड़ा होता है, यानी ऑलमोस्ट 60 dB 80 dB ऐसा होता है, ठीक है। तो यानी 60 dB कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है कि PB इज इक्वल टू PI बाई 10 टू द पावर 6, ये आप लोग लॉग वाला मेथड से अपना हटा के देख लीजिएगा, ये हो जाएगा, यानी कि ऑलमोस्ट इतना टाइम्स छोटा होगा, मतलब एकदम नेग्लिजिबल करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्टिविटी, यानी कितना डायरेक्टिव है, यानी कितना कम से कम अनवांटेड वेव हमको इस साइड मिल रहा है, ये हो गया डायरेक्टिव। अब जो तीसरा जो फिगर ऑफ मेरिट है, थर्ड वन, दैट इज कॉल्ड आइसोलेशन फैक्टर, आइसोलेशन फैक्टर तीसरा जो मेरा थर्ड है फिगर ऑफ मेरिट, दैट इज आइसोलेशन फैक्टर। आइसोलेशन फैक्टर आइसोलेट है, तो इसमें कौन कौन सा आइसोलेट है, वन और टू तो आइसोलेट है नहीं,
वन से देंगे टू पे मिलेगा, एकदम मिलेगा। वन से देंगे कपलिंग करके फोर पे मिलेगा, ये हम चाहते भी है, ये सब तो वांटेड है। लेकिन वन से देंगे तो पोर्ट थ्री से मिले हम कभी नहीं चाहते, ये हमेशा चाहते कि आइसोलेट वो पे रहे, ये दो पोर्ट हमेशा आपस में आइसोलेट रहे। तो इसी से इसी को हम लोग मेजर करेंगे, तो इसको कहेंगे आइसोलेशन फैक्टर। ठीक है, तो आइसोलेशन फैक्टर आई आई इज इक्वल टू 10 लॉग पीआई बाय पीबी, ये पीआई और ये पीबी, ये आइसोलेशन फैक्टर हो गया। यहां पे भी हम लोग चाहते हैं कि पीबी जीरो हो जाए, यानी कि आइसोलेशन फैक्टर ऑलमोस्ट इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाए पीबी अगर जीरो हो जाए तो, ये हम लोग चाहते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ये भी बड़ा अमाउंट देता है। अब ये तीनों में तीन जो फिगर ऑफ मेरिट पर है इसमें आपस में एक रिलेशन होगा, ये तीनों फिगर ऑफ मेरिट के आपस में रिलेशन होगा। तो कैसे रिलेशन निकालेंगे देखिए, मान लीजिए यहीं से देख लेते हैं, एक रिलेशन निकाल लेते हैं आई। अब ये जो पी आई है ऊपर नीचे पीएफ पीएफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, पीएफ पीएफ ये मल्टीप्लाई किए तो लॉग में जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है, प्लस में चला जाता है लॉग का मल्टीप्लाई, तो लॉग 10 पी आई बाई पी एफ प्लस में चला जाएगा पी एफ बाई पी बी। अब हमको पता है दिस वन इज व्हाट कपलिंग फैक्टर एंड दिस वन इज व्हाट डायरेक्टिविटी आई, तो आइसोलेशन फैक्टर इज इक्वल टू कपलिंग बाय डायरेक्टिविटी, यानी कि ये दोनों को जोड़ देंगे तो हमको आइसोलेशन फैक्टर मिल जाएगा, ये होता है। ठीक है, तो ये हमला हो गया। अब इस केस में मान लीजिए कपलिंग फैक्टर 20 डीबी था, डायरेक्टिविटी 60 डीबी था, तो आइसोलेशन फैक्टर कितना हो जाएगा 80 डीबी ऐसे। ठीक है, ये दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये दोनों को ऐड किए तो 80 डीबी हो गया। तो ये तीनों का एक रिलेशन हो गया, ये तीनों का रिलेशन एग्जाम में आता है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछ देता है आई इक्वल टू सी डी ये कैसे कैसे होगा, या वैल्यू दे देगा, एक दो सवाल भी हम लोग देख लेंगे तो ये करके पूछता है। ठीक है, अब जो है इसको याद रखने का तरीका जो है बड़ा एक अच्छा तरीका बताते हैं, एग्जाम में अगर भूल जाइएगा, हालांकि भूलिएगा तो नहीं, ए बी सी डी सी प्लस डी इक्वल टू आई, या दूसरा एक तरीका बताते हैं, एक और तरीका याद रखने का इस रिलेशन को। अभी देखिए ये जो है पी आई है, यहां पे पी आर है, यहां पे पी एफ है, और यहां पे पी बी है, ये चार हो गया। हमको पी आई बाई पी आर कुछ नहीं लेना है, ये हम लोग को काम ही कहा ही नहीं है। पी आई बाई ये कितना, ये क्या है, ये इफिशियंसी को दिखाएगा कि इतना दिए ये कितना रिफ्लेक्ट किया, तो ये तो इफिशियंसी का हो गया, इफिशियंसी हम नहीं देख रहे हैं, कितना पावर दिया कितना पावर आउटपुट मिला, आउटपुट का इनपुट नहीं देख रहे हैं। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, ये बाई ये देख रहे हैं, पी आई दिए कितना पी एफ हुआ, तो ये कहलाएगा कपलिंग, पी एफ बाई पी बी ये करेंगे तो ये कहलाएगा डायरेक्टिविटी, पी एफ बाई पी बी, और पी आई बाई पी बी करेंगे तो ये कहलाएगा आइसोलेशन। तो अभी देखिए वेक्टर सम में भी हम लोग यही ना करते हैं, इधर से इधर, इधर से इधर, यानी कि इधर से इधर, यानी वेक्टर सम आई इज इक्वल टू ई प्लस डी, अगर ये याद कर लिया तो कपलिंग फैक्टर इज इक्वल टू पी आई बाई पी एफ याद हो जाएगा, डायरेक्टिविटी इज इक्वल टू पी एफ बाई पी बी याद हो गया, आइसोलेशन इज इक्वल टू पी आई बाई पी बी। इससे ये एक ट्रिक है, ये किताब का आपका ट्रिक नहीं, मेरा अपना ट्रिक है याद रखने का तरीका। ठीक है, तो ये हम लोग फिगर ऑफ मेरिट भी देख लिए डायरेक्शनल कपलर का। अब हम लोग डायरेक्शनल कपलर जो होता है इट इज अ सिमेट्रिकल डिवाइस, तो सिमेट्रिकल डिवाइस कहने का मतलब क्या होता है हम लोग देखते हैं। तो डायरेक्शनल कपलर है, सिमेट्रिकल डिवाइस है, यानी कि डिवाइस का पोर्ट को चेंज भी कीजिएगा तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी कि सिमेट्रिकल डायरेक्शनल कपलर। अब देखिए पहला अरेंजमेंट, दूसरा अरेंजमेंट, तीसरा अरेंजमेंट, चौथा अरेंजमेंट, ये प्राइमरी वेवगाइड
ये सेकेंडरी वेव गाइड, ये प्राइमरी वेव गाइड, ये सेकेंडरी वेव गाइड, ये प्राइमरी वेव गाइड, ये सेकेंडरी वेव गाइड, ये वाला प्राइमरी, ये वाला सेकेंडरी वेव गाइड। अब देखिए हम लोग पोर्ट का भी चेंज नहीं करेंगे, ये पोर्ट वन, पोर्ट टू, पोर्ट फोर, पोर्ट थ्री, ये नहीं कि इसको थ्री इसको फोर कर देंगे, वन टू फोर थ्री। अगर इसको थ्री लिया है तो शुरू से अंत तक ये थ्री ही रहेगा, इसको फोर ले रहे हैं तो शुरू से अंत तक ये फोर ही रहेगा, ये चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी पे एस मैट्रिक्स डिपेंड करता है, पूरा का पूरा एस मैट्रिक्स, वन टू वन टू। चलिए अब हम लोग इसका सिमेट्रिकल देखते हैं, सिमेट्रिसिटी देखते हैं। तो हो सकता है पहली बार में एकदम पहला अरेंजमेंट यहां से हम पी आई दिए, यहां से दिए तो यहां पे मिला पी आर, यहां से मिला कपलिंग पी एफ, कपलिंग मेरा मिला, ठीक है, यानी कि यहां पे एक बैक पावर आएगा पीबी। अब जो है हम लोग यहां से ना देखिए यहां से देंगे, सेकंड वाला से देंगे, तो जब सेकंड वाला से देंगे तो ऐसे आएगा, ये पीआई हो जाएगा, ये पीआर हो गया, तो यहां से जो है कपलिंग मेरा ये हो जाएगा, थर्ड पोर्ट मेरा कपलिंग हो जाएगा जब टू से देंगे तो, और ये बैक पावर पीबी, और ये क्या हो गया पीएफ मेरा कपलिंग पावर। उसी तरीके से इसका ये डायरेक्शन होगी, ऐसे देंगे तब यहां पे ऐसे देंगे तो ये कपलिंग हो गया। उसी तरीके से अगर हम लोग यहां से देंगे, थर्ड पोर्ट से देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा कपलिंग हो जाएगा पीएस, और ये मेरा बैक पावर। उसी तरीके से चौथा अरेंजमेंट अब हम लोग फोर्थ पोर्ट से देंगे, फोर्थ पोर्ट से हम लोग दे रहे हैं इनपुट पी आई, यहां पे पी रिफ्लेक्टेड, और यहां से हम लोग ऐसे आएगा तो ये आ जाएगा कपलिंग पी एफ, और यहां से ये बैक पावर। तो यहां से हम चारों अरेंजमेंट में क्या देखते हैं कि चारों में कहीं से भी देखिए, फर्स्ट से इनपुट दिए, सेकंड से इनपुट दिए, फोर्थ से इनपुट दिए, या थर्ड से इनपुट दिए, कहीं से भी इनपुट दिए तो अरेंजमेंट मेरा सेम है, ठीक है, अरेंजमेंट मेरा सेम है। यहां पे वन और थ्री हमेशा आइसोलेटेड पोर्ट है, इसमें वन और थ्री आइसोलेटेड पोर्ट है, यहां पे पी वन थ्री आइसोलेटेड पोर्ट हो गया, यहां पे जब दिए टू से दिए तो टू फोर आइसोलेटेड पोर्ट हो गया, यानी कि पोर्ट टू, टू से दिए तो फोर आइसोलेटेड पोर्ट हो गया, वन से दिए तो थ्री आइसोलेटेड पोर्ट हो गया। सिमिलरली इधर से ये आइसोलेटेड पोर्ट हो गया, ये इनपुट ये आउटपुट दर्शाता है एस मैट्रिक्स में, वन से दिए तो थ्री आइसोलेटेड, टू से दिए तो फोर आइसोलेटेड। अब यहां पे देखते हैं, यहां पे दिए थे थ्री से तो वन आइसोलेटेड, यानी कि पी वन थ्री आइसोलेटेड, और यहां से जब फोर से दिए तो टू आइसोलेटेड, पी फोर से दे रहे ना टू फोर, यानी कि अब ये जो आइसोलेटेड हो गया, यानी कि ये सब हमको पावर जीरो मिलना चाहिए। तो ये अभी देखिए P31 या P13 जीरो हो गया, P42 या P24 अलग, तो ये दोनों इसलिए सिमेट्रिसिटी दर्शा रहा है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया सिमेट्रिकल डिवाइस है, तो यानी कि पी आई जे इज इक्वल टू पी जे आई होगा, यानी एस मैट्रिक्स में इसका हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। ये सिमेट्रिकल पोर्ट होता है, जब एस मैट्रिक्स पढ़ेंगे डायरेक्शनल कपलर का, तो ये सिमेट्रिकल के बाद अब हम लोग इसमें चार तरह का डायरेक्शनल कपलर होता है। एक होता है टू, मतलब कपलिंग जो है किस मेथड से करा रहे हैं, तो देखिए कपलिंग बताया था ना, माइक्रोवेव पे हर एक काम का अपना एक इंपॉर्टेंस है, इवन कि छोटा सा स्लॉट भी काट देंगे ना, इसका एक अलग, पूरा का पूरा अलग हो जाएगा। अगर माइक्रोस्ट्रिप लाइन पढ़िएगा तो उसका ये मान लीजिए ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे ये शेप बना दीजिए तो एक अलग तरह का एंटीना मिलेगा, ये शेप बना दीजिए तो एक अलग तरह का एंटीना, हो सकता है एंटीना एक्ट एज ए फिल्टर भी कर सकता है काम, कौन किसी को ये फिल्टर करेगा, अलग अलग शेप बनाते जाइएगा तो अलग अलग चीज मिलते जाएगा। तो माइक्रोवेव पे एक छोटा से छोटा कंडक्टर में कट या कंडक्टर एड कुछ भी कीजिएगा तो वो एक पूरा का पूरा अलग रिजल्ट दे देता है। तो यहां पे भी डायरेक्शनल कपलिंग कराने के लिए एक स्लॉट भी काटते हैं, तो स्लॉट एक्ट एज एंटीना, तो हो सकता है कि टू स्लॉट काटे, अगर दो स्लॉट काटेंगे देन इट इज कॉल्ड टू होल डायरेक्शनल कपलर, टू होल डायरेक्शनल कपलर,
अगर दो स्लॉट काटे, चार कट करेंगे तो वो हो जाएगा फोर होल डायरेक्शनल कपलर। एक डेथे होल होता है, डेथे होल डायरेक्शनल कपलर, और एक रिवर्स कपलिंग होता है, ठीक है, रिवर्स कपलिंग डायरेक्शनल कपलर। ये चार तरीके का डायरेक्शनल कपलर होता है। मेनली जो हम लोग को सिलेबस में पढ़ना रहता है वो होता है टू होल डायरेक्शनल कपलर, ठीक है। तो टू होल डायरेक्शनल कपलर हम लोग देखते हैं क्या है। तो टू होल डायरेक्शनल कपलर हम लोग देखेंगे, टू होल डायरेक्शनल कपलर। अब इसमें कैसे कैसे क्या हो रहा है हम लोग एकदम पूरा खोल के देखेंगे। ये सब चीजें किताब में आपको नहीं मिलेगी। अभी जितना हम लोग डिटेल्स में देखेंगे टू होल डायरेक्शनल कपलर, ये जल्दी उतना बुक्स वगैरह में मिलेगा नहीं आपको। देखते हैं, ये हो गया। इसमें वेवगाइड है, ये दोनों ऊपर का नीचे का वेवगाइड है, ये ऊपर का हो गया, यहाँ पे ये कट किए हुए हैं और ये कट किए हुए हैं। दो वेवगाइड है, इसमें एक कट दूसरा कट, ठीक है, दो स्लॉट बनाए हैं। दिस स्लॉट एक्ट्स एज एंटीना, ये यहां से जो पावर जा रहा है इसमें से निकल जाएगा, इसमें से निकल के देगा, ठीक है। ये दो कट बना दिए, इसीलिए इसको कहते हैं टू होल डायरेक्शनल कपलर, ठीक है। अब हम लोग यहां से टू होल डायरेक्शन कपलर, ये हम लोग यहां पे हम लोग दो होल बना है जो कि एक्ट्स एज एंटीना। अब यहां पे जो है दो कट हो गया, अब ये दो कट एक्ट्स एज एंटीना। अब हम लोग यहां पे पीआई देंगे, यहां पर मिलेगा पीआर, मिलेगा रिसीव, पीआर को रिसीव नोट, ठीक है। यहां पर मिलेगा फॉरवर्ड यानी कपलिंग, और यहां पर मिलेगा बैक। अब हम लोग इसके पाथ को एकदम बढ़िया से ट्रेस करेंगे, ठीक है। ये देखेंगे, ये पाथ को, ये लेंथ एल है, और ये लेंथ एल कितना लेंगे हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे और ये निकालेंगे, ठीक है। अब जो है एक बात हो सकता है, ये इधर इसकी ऐसे आ जाए, इसको मान लेते हैं वन, ठीक है, या इधर से ना आके इस होल से आ जाए, इस होल से भी आए, इसको मान लेते हैं। मेरा काम क्या है कि इस होल से वन जो आया और इस होल से टू आया, तो ये दोनों आपस में ऐड होके यहाँ पे आ जाए। सिमिलरली दूसरा क्या रिलेशनशिप करता है कि ये जो ऐसे जा रहा है यहां से ऐसे करके ये आ जाएगा, ये हो गया वन मैक्स, ये क्या हो गया मेरा अनवांटेड बैक पावर आना नहीं चाहिए था। और दूसरा हो गया ये यहां से टू डैश, यानी डैश में हो गया बैक पावर, यहां से जो आया टू से एक फॉरवर्ड पावर गया और एक बैक पावर आया, वन से एक फॉरवर्ड गया एक बैक आया, ठीक है। अब इस पाथ को हम मान लीजिए ए बोल देते हैं, इसको एल तो हम लोग देख ही रहे हैं, और इतना से इतना को हम लोग बोल देते हैं बी, यहां से यहां तक बी बोल दिया, ठीक है, इतना बी। अब जो है पाथ ट्रेवल्ड बाय वन, ये वन पाथ ट्रेवल्ड बाय वन, तो वन कितना पाथ ट्रेवल किया, तो यहां पहले ए चला, फिर एल चला, फिर बी चला, यहां दिया, ठीक है। मान लीजिए इस पाथ को भी ए ही कर देते हैं, यहां से यहां ए है, ये भी ए है, तो ये क्या हो गया ए एल बी ए, ए एल बी ए। इस तरीके से पाथ ट्रेवल बाय टू, टू कितना पाथ चला, तो यहां से ए चला, फिर ये से यहां भी बी हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा, यहां से यहां ए, फिर बी, फिर यहां से एल, फिर यहां से के, यानी ए बी एल के, ठीक है। यहां से हम क्या देखते हैं पाथ डिफरेंस कितना आएगा, पाथ डिफरेंस यानी
पाथ का डिफरेंस कितना आया, तो मेरा जो पाथ का डिफरेंस आया डेल्टा एक्स वो मेरा आ गया जीरो, क्योंकि ये से कट गया से कट गया दोनों इक्वल पाथ चल के आया, तो जो पाथ डिफरेंस जीरो हो गया तो हम लोग को पता है फेज डिफरेंस कब होता है, 2 पाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। ये कैसे आया कि लैम्डा यहां से यहां का लेंथ हो गया लैम्डा, यहां से यहां तक का फेस का अगर 2 पाई तो लैम्डा में 2 पाई तो 1 में 2 पाई बाय लैम्डा, तो पाई में डेल्टा एक्स में 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, ये मेरा फेस हो गया। यहां से ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला में डेल्टा एक्स को जीरो रख देंगे तो पाई मेरा कितना आ जाएगा जीरो, यानी कि फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस मेरा हो गया जीरो। तो जब फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस जीरो हो गया, यानी कि यहाँ पे सेम फेज में आ गया, यहाँ पे जो हमको वन और टू मिला ये सेम फेज में मिला, फेज डिफरेंस जीरो है। जब फेज डिफरेंस जीरो यहाँ पे क्या हो जाएगा एड हो जाएगा दोनों, यानी कि वन से जो आया पावर और टू से जो पावर आया ये दोनों एड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ऐड हो गया, यहाँ हम क्या देख रहे हैं यहाँ ऐड हो गया तो मिला दोनों मिले ऐड हो गया दोनों होल से आया, लेकिन यहाँ पे होल का लेंथ ज्यादा डिपेंड नहीं किया, एल कुछ भी रखते हैं तो यही होता है, यहाँ पे आता मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अब ये एल जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा बैक पावर के लिए, क्योंकि हमको इसको करना है कम से कम, इसको करना है एकदम अनवांटेड है, इसको कम करना है, उस समय मेरा एल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ के लिए उतना एल इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ एल है, यहाँ पे ऐड हो गया। अब दूसरा लेते हैं पाथ ट्रेवल बाय वन डैश, वन डैश कितना पाथ ट्रेवल किया, पाथ ट्रेवल बाय वन डैश, तो ये देखिए वन डैश ये है, ये चला कितना, ए चला, एल चला, फिर लौटा एल और फिर ए, ए चला एल चला, फिर नीचे आया बी, फिर इधर आया एल और फिर वहां से ए, ठीक है ए। अब पाथ ट्रेवल बाय टू डैश, तो टू डैश क्या चलेगा, यहां से चला, यहां से चला, यहां से चला, एल गया ही नहीं, यहां 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 एल गया ही नहीं, ए बी ए, ए बी ए। अब इस पर पाथ डिफरेंस देखते हैं, ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, ए से ए कट गया, यानी यहाँ पे 2l पाथ डिफरेंस आ गया, पाथ डिफरेंस मेरा 2l आ गया। अब तो मेरा फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू 2l, ये मेरा फेज डिफरेंस आ गया। अब हमको फेज डिफरेंस जो है, हमको फेज डिफरेंस करके यहाँ पे क्या कर देना है, दोनों ऐसा हो कि दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाए, सब्ट्रैक्ट हो जाए, जिस तरह से यहाँ पे ऐड हुआ था ना, ऐड होने के लिए ये कॉरेस्पॉन्डिंग नीचे भी एक पेड़, तो दोनों अगर सेम फेज में रहेगा इसका 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 दोनों करके सेम फेज में रहेगा तो दोनों ऐड हो जाएगा, लेकिन ये एक पेड़ है और कॉरेस्पॉन्डिंग ये एक पेड़ है, तो जहां पे ये पॉजिटिव है वहां पे ये निगेटिव है, जहां पे निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा पलट जाएगा, इसमें इसमें फेज डिफरेंस जीरो, इसमें इसमें फेज डिफरेंस पाई, तो यानी कि हमको यहाँ पे जो है यहाँ पे हमको सब्ट्रैक्ट कराना है, ठीक है, कैंसिल आउट करना है, तो कैंसिल आउट करना है तो ये 2l कितना होना चाहिए, यानी कि ये फेज डिफरेंस हमको पाई लाना है, पाई पाई लाएंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, फेज डिफरेंस पाई, यानी कि 180 डिग्री से अगर चेंज करेगा 180 डिग्री से तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये पाई लाना है, इसको कर देंगे 2 पाई बाय लैम्डा इनटू 2l इज इक्वल टू पाई, तो यहां से पाई कट गया, ये कितना हो जाएगा एल इक्वल्स टू लैम्डा बाय 4, यानी कि जो ये एल लेंगे ये हमेशा लैम्डा बाय 4 लेंगे। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि जो गैप बिटवीन टू होल्स होना चाहिए, यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि गैप बिटवीन टू होल्स ये दोनों होल के बीच में टू होल्स इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 4, ऑड मल्टीपल 2n प्लस 1 लैम्डा जी डिवाइडेड बाय 4 बाय 4 लैम्डा बाय 4 होना चाहिए, यहां की n का वैल्यू 0 1 2 3 कितना भी रख सकते हैं, n का वैल्यू 0 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है।
ये इसका हो गया लैम्डा बाई फोर क्यू लिया है, ये जल्दी किताब में लिख देता है कि लैम्डा बाई फोर ले रहे हैं, इतना एक्सप्लेन करके नहीं बताता है। ठीक है, अब हम लोग का बचा इसका स्कैटरिंग मैट्रिक्स और इस पर कुछ सवाल, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी हम लोग डायरेक्शनल कपलर को एकदम पूरा एक्सपैंड करके सारा चीज हम उसका समझ गए। अब इसका सवाल हो रहे स्कैटरिंग मैट्रिक्स देख लेंगे, डायरेक्शनल कपलर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।